हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपके सामने मीठी मीठी बातें लेकर आता हूँ। लोग कहते हैं कि पैसा चाहिए और शहरों में सब कुछ मिल जाता है। मैं कहती हूँ कि प्यार चाहिए और शहरों में सब कुछ मिल जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसा ही। मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है आशा, और दादा हैं मेरे, वो गए थे गांव। और मैंने उनको बोला था गांव जाओगे तो मेरे लिए ज़्यादा नहीं, दो माल्टे एक नींबू लेके आना। लेकिन दोस्तों, दो माल्टे और एक नींबू मैंने मंगाया था। ये देखो, ये दो नींबू है और ये बहुत सारे माल्टे हैं। ये मेरी फ्रेंड लेके आई है आशा। और यहाँ तो देखो ये क्या है, ये गाँव की मूली है, खेत की। ये आलू शहर के हैं, यहाँ के आप सब्जी बन। और ये देखो, ये मीठे करेले, इतने बड़े बड़े मेरे गांव में तो बाप रे, इतने बड़े बड़े करेले होते नहीं, पूरे एक हाथ बराबर करेला मेरे गांव में होते हैं मीठे परमले, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ये ना बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। देखो ये देखो, पूरा हाथ, इतना बड़ा तो मेरा हाथ है, और ये हाथ में पूरा भरा हुआ है, इतने बड़े। देखो ये देखो, पूरे हाथ में आ रखा है। और एक गांव का धनिया है, और ये हरी मिर्ची चटनी के लिए लाई है। और ये देखो गांव के अरसे, ये देखो, ये देखो, ये पन्नी भर के। और दिखाती हूँ, और सामान भी है मेरे पास। ये देखो, ये देखो, ये बहुत सारा भूलच, ये गहत है, ये मड़वे का आटा है, और ये मुंगरी का, मक्के का आटा है, ये मंडवे का आटा है कोदा, और ये गहत है, और ये है भंगुल है। और इतना सारा सामान देखो मेरी फ्रेंड लेके आई है मेरे लिए गांव से। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि प्यार चाहिए, पैसे नहीं, प्यार चाहिए, और शहर में सब कुछ मिल जाता है, मिल बांट के मिल जाता है। और मेरी माँ देख के बहुत खुश हो रही है, क्योंकि जब ये गांव में थी तो मैं इसको बोलती थी कि मम्मी फिक्र मत कर, जो तुम गांव में खाते हो मैं यहाँ खाती हूँ, तो मम्मी को यकीन नहीं आता था। आज मम्मी ने अपने मुंह के आगे, अपने आंखों के सामने आगे ये सब देख लिया कि इतना सामान, मतलब कोई गाँव से किसी को, मतलब जब कोई गाँव से आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं। मैं भी आती तो अपने फ्रेंड को दो नींबू दे दूँगी, दो मिर्ची दे दूँगी, एक अरसा दे दूँगी, और मूला लाऊंगी तो एक मूला दे दूंगी। और यहाँ मेरे लिए ये देखो पूरा भंडार भरा हुआ है, ये देखो नीचे से लेके यहाँ तक। और अभी फ़ोन आया था कि ये आधा है, आधा मैं अभी लाऊंगी, तो मैंने कहा अब आधा क्या है, तो करिए अभी लंकू है, गोल वाले मूले हैं, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा उड़द हैं, भट्ट हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, जो मर्जी लेना। मम्मी हो रही है तुझे खुशी? बहुत खुशी हो रही। कितनी? बहुत खुशी। क्या सोच के खुशी हो रही है? ये सोच के कि हम गाँव में हैं, हम खा रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं खा रहे होंगे, आप खुशी हो रही है कि खा रहे होंगे, सब खा रहे हैं। क्या लगता है तुझे, क्या है इन सब के पीछे, क्या है, क्या है इन सब के पीछे, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे तेरा प्यार है, तेरा व्यवहार है, और तेरा स्वभाव है, और हम सबके आशीर्वाद, हम सबकी आशीर्वाद है उनके लिए जिन्होंने ये दिया, और हम तेरे लिए भी। तो मम्मी अब एक बात, अब अगर तू गांव से कुछ भेजेगी तो ये सामान देख के भेजना, सिंगल मत भेजना, चार चार भेजना, डबल डबल भेजना, क्योंकि जिनका मैं खा रही हूँ ना, इनको लौटाना भी पड़ेगा मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब देख के मम्मी को बहुत खुशी हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। इतना प्यार इसमें, इतना प्यार है दोस्तों, आप खुद देखिए ना। देखो, जब मेरी किसी की माँ गाँव से आती है तो इतना सामान लाती है, ये देखो ना। लेकिन यहाँ मेरी फ्रेंड आई है, मेरा भाई आया है, और इतना सारा सामान देखो अकेला मुझे दे रखा है, मेरे लिए ला रखा है, तो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। ए लट्टू, क्या है? खा ले तू भी एक माल्टा। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं बनाऊंगी परमले की सब्जी। आलू मैंने दी यहाँ के, ये गाँव के नहीं है, ये यहीं के आलू हैं, इनको कूटूंगी इनके साथ, ये गाँव से, ये गाँव की है, ये कूटूंगी। और ये देखो ना, इतने बाप रे, इतने बड़े मेरे हाथ और मेरे हाथ के बराबर परमला। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नहीं होते, होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ये मेरे
फ्रेंड लाई है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी अरसे, ये हमारे गांव के अरसे हैं, ये चावल से बनते हैं। इनको चावलों को पहले पहले दिन भिगाया जाता है, फिर ओखली जो होती है ना उसमें कूटा जाता है, फिर छाना जाता है, और फिर इसको अच्छे से फिर इसको गूंदा जाता है, छान के गूंदा जाता है, इसमें फिर वो डाला जाता है, क्या कहते हैं उसको, सौंफ हो गया, इलायची हो गई, वो कूट के डाला जाता है, फिर तेल में तल के गरम गरम घी से इसको खाया जाता है। अभी मैं ऐसा खा रही हूँ, बहुत टेस्टी हो रही है। आप सब जिसका घर मेरे इर्द गिर्द है ये आ जाना, आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, और हम देखो वोट डाल के आए हैं बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को, अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डाल के आए हैं MCD के चुनाव दिल्ली में, जिसका घर मेरे घर के आसपास है। आज 4 तारीख है, 5 तारीख तक आ जाना, अपने लिए ये अरसे माल्टा नींबू जिसको ले जाने ले जाना, क्योंकि 6 तारीख तक ये नहीं बचेगा, क्योंकि सबको पता है कि नीलू का दूसरा नाम पेटू राम है, ये सारा फिनिश कर देगी, खा जाएगी। तो जिसको भी आना है आना और खाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना।